पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हाथ जोड़कर राज्यपाल को उन्होंने प्रणाम किया और उसके बाद सीधे शपथ ग्रहण करने के लिए माइक के मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, बीजेपी के सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण कर लिया है और अब जो प्रक्रिया है वो इस वक्त हस्ताक्षर के तौर पर उस शपथ पत्र पर की जाती हुई सम्राट चौधरी की तरफ से, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई राज्यपाल के द्वारा। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें राजभवन के राजेंद्र मंडपम से आपके सामने, जहां पर सबसे पहले नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली और उसके ठीक बाद सम्राट चौधरी बीजेपी के तरफ से मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राज्यपाल ने शपथ दिलाई और देखिए, हाथ जोड़कर सम्राट चौधरी ने झुककर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। जय श्री राम के नारे के साथ शपथ ग्रहण की शुरुआत होती है और हर तरफ शपथ ग्रहण के दौरान जय श्री राम के उद्घोषी होते नजर आए। शपथ ग्रहण करने के कृपा करें। तो देखिए, ठीक नीतीश कुमार के बगल में सम्राट चौधरी की कुर्सी, जहां पर सम्राट चौधरी जाकर बैठे हैं। और अब विजय सिन्हा देखिए मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए, विजय सिन्हा इस वक्त मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मंत्री पद की शपथ लेने के लिए।